मैनिपुलेशन को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं हम, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। पहले एक सिंपल सी चीज से शुरू कर रहा हूँ। आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ अगर प्रिंट करना होता है स्क्रीन पे, तो उसके क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास जावास्क्रिप्ट में प्रिंटिंग के लिए, क्या क्या चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हालांकि आप देख ही चुके हैं, अलर्ट से जब आप कुछ लिखते हैं चाहे वो स्ट्रिंग हो तो वो अलर्ट हो जाता है। देखिए अलर्ट हो जाता है। हालांकि अभी तक आपके जो व्यू पोर्ट है उसमें प्रिंट नहीं हुआ, व्यू पोर्ट के अलग, व्यू पोर्ट के ऊपर एक विंडो आई है उसमें प्रिंट करता है अलर्ट। अलर्ट इतना सा ही कर सकता है। अलर्ट से आप चाहें तो स्ट्रिंग भी प्रिंट करा सकते हैं, आप चाहें तो कोई वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। आपको वेरिएबल प्रिंट कराना है तो कोट्स के बिना आएगा वेरिएबल का नाम, वन प्रिंट हो गया है। आप चाहें तो अलर्ट के अंदर कोई प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग से मतलब अब आप इन दोनों का सम भी प्रिंट करा सकते हैं, एन प्लस एन वन, तो जो भी आउटपुट होगा वो आ जाएगा प्रोसेस होने के बाद 4। अलर्ट को कहीं जगह आप इस तरह लिखा हुआ भी पाएंगे, विंडो डॉट अलर्ट। अलर्ट और विंडो अलर्ट में कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं। ये चीज क्लियर है? यस सर। जब भी हम कोई जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं, कोई बड़ी एप्लीकेशन, कुछ बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, और उस प्रोग्राम में अगर हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ जैसा हम सोचते हैं वैसा आउटपुट नहीं आ रहा होता है उस टाइम पे, या अगर आप कोई बने बनाए प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी ढूंढ रहे होते हैं जिसे डीबगिंग करना कहते हैं, उस टाइम पे आपको ये देखना होता है कि भाई ये प्रोग्राम कहाँ तक सही चल रहा है, कहाँ पे गलती आई, ताकि फिर आप उसे सुधार सकें। ऐसे टाइम पे हम प्रोग्राम में जगह जगह पे प्रिंट करा के देखते हैं कहाँ तक सही चीजें प्रिंट हो रही हैं, कहाँ से प्रिंट होना बंद हो रहा है। तो वो प्रोग्राम में वो जो प्रिंटिंग करते हैं हम टेस्टिंग या डीबगिंग के लिए, वो हम स्क्रीन पे प्रिंट नहीं कराते। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कंसोल। कंसोल जावास्क्रिप्ट में आपको बहुत दिखाई देगा। कंसोल होता क्या है, F12 अगर आप दबाएंगे इस विंडो से तो आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, ये है कंसोल विंडो। इसके अंदर ये जो ब्लैंक एरिया आ रहा है इसे कंसोल कहते हैं। जावास्क्रिप्ट की जो एरर्स हैं वो भी आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देके कंसोल में ही दिखाई देती हैं। इसके अलावा कंसोल में आप अपनी तरफ से भी चीजें प्रिंट करा ही सकते हैं। तो कंसोल में प्रिंट कराने के लिए मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल में लॉग का मतलब होता है दर्ज करना, तो कंसोल में कुछ दर्ज करना है मुझे। यहाँ भी आप चाहें तो वेरिएबल्स प्रिंट करा सकते हैं, सॉरी स्ट्रिंग्स प्रिंट करा सकते हैं। नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, वो ये भी बता रहा है कौन सी फाइल ने कौन सी लाइन नंबर से ये प्रिंट कराया है। लाइन नंबर 7 से अपनी फाइल के ये प्रिंट हुआ है, लाइन नंबर 7। इसमें भी आप वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। ये प्रिंट हो रहा है, और यहां भी आप प्रोसेसिंग कर ही सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। N1 प्लस N2, तो 240 आपको दिख जाएगा।
कंसोल लॉग का इस्तेमाल ज़्यादातर हम टेस्टिंग डीबगिंग में ही करेंगे, वैसे इसका कोई खास काम नहीं है। ये अलर्ट ने भी अपने व्यूपोर्ट में कुछ प्रिंट नहीं किया, कंसोल ने भी अपना जो व्यूपोर्ट होता है, जो ये वाइट स्क्रीन है ऊपर वाली, इसमें कुछ प्रिंट नहीं किया। बट बहुत टाइम हमें स्क्रीन पे प्रिंट कराना ही होता है। वहां पे आपके काम क्या क्या आते हैं देखिए। सबसे सिंपलेस्ट ऑफ द कमांड्स है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट में लिखें क्या जो आपको चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपके स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाएगा। यहां से यहां भी आप वेरिएबल्स भी प्रिंट करा सकते हैं। वेरिएबल खुला हुआ नहीं है। इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और इसमें भी प्रोसेसिंग आप करा ही सकते हैं, दो वेरिएबल्स का सम, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब कुछ हो सकता है। जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ये वही डॉक्यूमेंट है, आपके HTML डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। डॉक्यूमेंट जो आपने मतलब यहाँ देखा वही डॉक्यूमेंट सब सेम ही है, चाहे आप फिर देखा हो। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए जो हमारा HTML है, मान लीजिए इसके अंदर मैंने बनाया एक पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ पे मैंने आईडी लगा दी रेड, मतलब इस पैराग्राफ के अंदर जो भी आएगा मैं चाहता हूँ वो रेड कलर में आए। सीएसएस से अगर मैं उसके ऊपर स्टाइल लगा देता हूँ हैश रेड, क्योंकि आईडी है, कलर रेड, सिंपल है। बट अभी तक इस पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो रेड में कुछ आएगा ही नहीं। HTML से मैं इस पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखवाना चाहता, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम का मैनिपुलेशन, आपके डॉक्यूमेंट का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट इस पैराग्राफ के अंदर आके कुछ लिखे, और अगर जो भी टेक्स्ट है वो इस पैराग्राफ के अंदर आएगा तो रेड कलर में तो अपने आप आ जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो यहाँ फेल हो जाएगा। देखिए मैंने यहां से लिखा तो सही पैराग्राफ इन रेड कलर, ये पेज पे प्रिंट भी होगा और ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ब्लैक कलर क्यों आ रहा है, अगर आप नीचे इंस्पेक्ट एलिमेंट में देख पाए, वो जो हमने लिखवाया था वो आपके बॉडी के जस्ट बंद होने के जस्ट पहले, यानी सब कुछ हर टेक्स्ट के बाद प्रिंट हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यही करा सकता है, बस वो आपके बॉडी के लास्ट में ही चीजें प्रिंट कर सकता है। मुझे चाहिए था कि इस पैराग्राफ के अंदर प्रिंट होता, ये जो पैराग्राफ है PID रेड, इसके अंदर जब कोई चीज आएगी तो वो रेड कलर में प्रिंट होगी। बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसी पर्टिकुलर जगह पे आप चाहते हैं प्रिंट होए नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इतना सा ही काम है कि पेज पे जाके लिख दें, कहाँ लिखेंगे, जहां आपने स्क्रिप्ट को रन कराया है। स्क्रिप्ट को अपन ने रन कराया है बॉडी के लास्ट में, तो आप देखेंगे बॉडी के लास्ट में ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट अपना काम कर रहा है। बट हमें इस पैराग्राफ के अंदर चाहिए था क्योंकि हमें रेड कलर में चाहिए। ऐसे केस में ऐसे केस में अब हम क्या करें, देखिए अब आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, या तो इन चारों में से किसी फंक्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस पर आईडी है, हम गेट एलिमेंट बाय आईडी ले सकते हैं और टैग नेम तो होता ही है तो टैग नेम ले सकते हैं, तो या तो ये हमारे काम आ सकता है या फिर ये हमारे काम आ सकता है या क्वेरी सिलेक्टर हमारे काम आ सकता है। आपको इन तीनों फंक्शंस में से कोई इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लास नेम इसलिए ले सकते हो कि क्लास नहीं है, नेम इसलिए ले सकते हो कि उस पर नेम एट्रीब्यूट भी नहीं है। अगर क्लास होती तो हम क्लास से ले सकते थे। तो मुझे आप बताइए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अपन इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इस फंक्शन के इस्तेमाल से वो जो पैराग्राफ है उसको पकड़ते हैं सबसे पहले, तो आप मुझे बताइए मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ।
टैग टैग वाले फंक्शन से, तो गेट, हाँ टैग नेम वाले फंक्शन से। हाँ डॉक्यूमेंट हाँ डॉट हाँ गेट एलिमेंट्स हाँ बाय टैग नेम। बिल्कुल। टैग नेम उसका है पी, क्योंकि वो पैराग्राफ है, ठीक है यस ना। सर, क्योंकि इसमें गेट एलिमेंट्स आ रहा है, यानी कि ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स लाने में सक्षम है, भले ही पैराग्राफ एक ही अपने पास, लेकिन फिर भी अपने को स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या डालूं? जीरो। जीरो, क्योंकि पहला ही पैराग्राफ है यस ना। सर, ऐसे भी कर सकते हैं, यस। सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। आप चाहें तो सिंपल तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सादा पी लिख दीजिए उसके अंदर, चाहे सिंगल कोट है या डबल कोट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे आपको 0 1 2 3 4 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? अभी हमारे पास पैराग्राफ एक ही है पेज में, क्वेरी सिलेक्टर अपने आप समझ जाएगा कौन सा पैराग्राफ है। हाँ अगर मल्टीपल होते तो या तो आप उस पे जो आईडी है उसका इस्तेमाल कर सकते थे, रेड, या फिर आप सूडो क्लास का इस्तेमाल कर सकते थे, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी है। अच्छा एलिमेंट तो पकड़ लिया, चाहे ऐसे पकड़ा हो या ऐसे पकड़ा हो, यस ठीक है। अभी तक तो सिर्फ एलिमेंट पकड़ा है, उसके अंदर लिखना है वो कैसे बताओगे? देखिए अभी तक तो कुछ आया नहीं है पेज पे, है यस ना। एलिमेंट पकड़ने के बाद अब आपको कहना है इस पैराग्राफ के अंदर से होता है इस तरीके से, डॉट इनर एच टी एम एल। इनर एच टी एम एल, और एच टी एम एल कैपिटल में ही आएगा यहाँ पे। इनर एच टी एम एल क्या करता है, किसी टैग के अंदर, अंदर माने यहाँ जहाँ मैंने कर्सर ब्लिंक कराया, कर्सर क्लिक किया है, अंदर आपको कुछ लिखने की सुविधा देता है, या अंदर अगर कुछ पहले से लिखा हुआ है तो उसे पकड़ता है। अपने पास तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, अपने को यानी लिखवाना है, तो आप इसके आगे इक्वल्स लगा के जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ये लिखना था मुझे, हाँ लाइन नंबर 18 ने जहां अपने बॉडी के जस्ट नीचे प्रिंट कराया था, लाइन नंबर 23 अब मुझे जहां मैं चाहता हूं वहां प्रिंट करके देगी। और ये पैराग्राफ के अंदर प्रिंट हुआ या नहीं वो आपको अपने आप ही दिख जाएगा, क्योंकि वो रेड कलर में आ रहा है, इसका मतलब साफ है वो पैराग्राफ के अंदर प्रिंट हुआ है। क्या ये चीज हमारी समझ में आई? यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, इसका मुझे आंसर बताओ, पेज पे क्या प्रिंट होगा? नंबर इज ग्रेटर देन 10। हाँ हाँ क्लियर प्रिंट होगा, पक्की बात है। यस सर, क्योंकि अब वो कैसे होगा? सर वो क्या है, इसके अंदर जो इंक्रीमेंट है वो पहले हो गया, फिर उसके बाद में हम प्रिंट, तो वो इंक्रीमेंट कर देगा, तो ये 11 हो जाएगा 10 की वैल्यू। तो और फिर ये कंडीशन सही है, यस सर, बहुत ही बढ़िया, नंबर इज ग्रेटर देन 10। और जो कुछ भी प्रिंट होना था, चूंकि हमने रेड के अंदर कराया है, तो वो रेड कलर में प्रिंट हो रहा है। समझ रहे हैं डॉम मैनिपुलेशन किस तरह से काम करता है? यस सर। अच्छा एक और छोटा सा एग्जांपल, चलिए अब मैंने उस पैराग्राफ के अंदर खुद से ही कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, तो आपको पेज पे दिखाई भी दे रहा है। अच्छा दिखाई कैसे देगा?
अब आपको वो पेज पे दिखाई भी दे रहा है। मुझे क्या करना है देखिए, मैं ये चाहता हूँ HTML ने जो लिखा है वो तो ये है, हाई देयर दिस टेक्स्ट इज प्रिंटेड बाय अ HTML। मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ जब मैं रिफ्रेश करूँ पेज को, आप जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लिखे तो वो लिखा आ जाए कि हाई देयर दिस टेक्स्ट इज प्रिंटेड बाय अ जावास्क्रिप्ट। मतलब ये जो HTML है ना, इसकी जगह प्रिंट हो जाना चाहिए जावास्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट उस पैराग्राफ के टेक्स्ट को बदले, मैनिपुलेट करे। कुछ ऐसा मुझे लिख के ऐसा मुझे करके बताइए कि ऐसा आ जाए कि दिस टेक्स्ट इज प्रिंटेड बाय अ जावास्क्रिप्ट। आप बोल दीजिए, मैं लिख दूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर और स्पेन टैग लगा दो। स्पेन टैग लगा दो। अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं प्रोग्राम को आपके लिए मजेदार बना रहा हूँ। अब पेज पे दो स्पेन है मेरे पास, okay. इसमें प्रिंट नहीं कराना है, जो भी कराना है इसमें कराना है। हाँ भाई अब बताओ। स्पेन टैग के अंदर हम सुडो क्लास लगा लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे है क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे हाँ सर, CSS में ऐसे लिखते थे ना, तो यहाँ भी चल जाएगा, बढ़िया। अच्छा फिर और डॉट इनर HTML। हाँ वो जावास्क्रिप्ट आ जाएगा वहाँ पर। हाँ क्या बात है, चल जाएगा ये। हाँ सर चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें चेंज नहीं हुआ और यहाँ चेंज हो गया, शाबाश। अच्छा ओके, हमने क्या किया, एक ब्लैंक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। यस सर। तीन पैराग्राफ बनाए हमने, एक और एक चौथा पैराग्राफ ब्लैंक है। अब पेज पे ये प्रिंट कैसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे सिंपल प्रिंट हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं रिफ्रेश करूँ नेक्स्ट टाइम, जो चौथा पैराग्राफ है उसके अंदर इन तीनों पैराग्राफ्स का इन के अंदर लिखे हुए नंबर का सम प्रिंट हो जाए, समझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ 65 इन तीनों का जो सम होता है वो चौथे पैराग्राफ के अंदर प्रिंट हो गया है, पॉसिबल है। ज्यादा हार्ड हो गया क्या? अच्छा चलो कोशिश करते हैं। एक वेरिएबल बनाया नम वन, ठीक है, इसके अंदर क्या किया। हाँ चलो फर्स्ट ऑफ टाइप ले लेते हैं। मुझे बताओ नम वन को अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा सर? जो फर्स्ट पी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी कितनी टेन की बात। हाँ सर। हाँ तो इस तरह नम टू में आ जाएगा सेकंड और नम थ्री में आ जाएगा थर्ड वाला, है ना, अपने आप तो नहीं आएगा। अब देखो सेकंड ऑफ टाइप तो होता नहीं है, फर्स्ट और लास्ट तो होते हैं, तो यहाँ nth ऑफ टाइप से काम करना पड़ेगा। हाँ सर ऐसे कर लेते हैं, चाहो तो आप तीनों को nth ऑफ टाइप से भी कर सकते थे, वो भी सही था। यहाँ मैंने इनर HTML का इस्तेमाल कुछ लिखने के लिए नहीं, जो लिखा हुआ है उसको पकड़ने के लिए किया है, समझ रहे हैं। इनर HTML दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। अब क्या करूं? अब सर वो मतलब उसे प्रिंट करवाने के लिए अच्छा प्रिंट एक और वेरिएबल, सर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके लो रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया,
इसमें के क्या अंदर करूँ? हाँ वही डॉक्यूमेंट और क्यूरी हाँ अच्छा, एक मिस्टेक हो गई है, रुकना। लास्ट हाँ ऑफ सर, टाइम वो जो लास्ट पहले ऑफ टाइप हो। तो चौथा वाला है, ये नहीं, हाँ सर, इसके लिए अपने को एन एथ ऑफ टाइप ही लगाना पड़ेगा और इसमें लिखना पड़ेगा 3। हाँ तो ये रिजल्ट वाला वेरिएबल बनाया, अब क्या करें? वो इसके अंदर पी के अंदर जो लास्ट ऑफ टाइप हो जाएगा 3। बट सर इसमें हम सम कहाँ करेंगे, हाँ देखो, हम इसमें ये सकते हैं। इसको ऐसे लिखने की बजाय इसका जो इक्वल टू के बाद वाला पार्ट था वो तो मुझे चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हमने कहा पैराग्राफ आखिरी वाला है ना, इसको किसी वेरिएबल में नहीं डालना है। हमने कहा इसके अंदर हमें कुछ लिखना है, तो इनर एचटीएमएल बराबर कि अंदर क्या लिखना है वो जो मैं बताऊंगा वो लिखना है। क्या करना है आपको? num1 सिंपली प्लस num2 प्लस num3, बस। हमने ये कहा आखिरी पैराग्राफ के अंदर, ये हम जब करते हैं जब हमारे पास आखिरी पैराग्राफ में पहले से कुछ लिखा होता तो उसकी वैल्यू आपको इसमें डालनी होती। यहाँ मुझे राइट टू लेफ्ट नहीं आना, यहाँ मुझे लेफ्ट टू राइट करना है कि मुझे इसके अंदर ये लिखना है। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर, अब इससे आंसर आ जाना चाहिए 10 प्लस 25 प्लस 30, जो भी है 65 आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं आया क्या। हाँ अब एक चीज देखो, आंसर तो आया बट वो 65 नहीं आया, ये तीनों नंबर यस सिंपली चिपक के आ गए, 10, 25 और 30 है ना। देखिए अपन ने जो किया है, जो आप समझ रहे थे वो बिल्कुल सही है, होना तो ऐसे ही चाहिए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं, बट ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट अलग तरीके से काम करती है, समझना। ये प्रोग्राम मैंने आपको जानबूझ के अभी करा दिया। देखिए जावास्क्रिप्ट में हर चीज, जावास्क्रिप्ट जो है हर चीज को एक स्ट्रिंग मानती है। स्ट्रिंग यानी अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, यानी कि अपने लिए जो 10 है वो नंबर है, संख्या है कि नहीं? 25 भी संख्या है, 30 भी संख्या है। अगर मैं आपको बोलता हूँ 10 और 25 का जोड़ करो तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि अपने को पता है दो संख्याएं जुड़ती हैं। देखिए जावास्क्रिप्ट के लिए जो 10 था ना, ये एक स्ट्रिंग थी, मतलब मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट के लिए ये 25 भी संख्या स्ट्रिंग है और ये 30 भी स्ट्रिंग है। कहने का मेरा मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा होता 10 और 25 को तो आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये बात बताइए दो स्ट्रिंग्स को आप जोड़ सकते हो क्या, मतलब इनका एडिशन कर सकते हो क्या? नहीं नहीं होता है ना। प्रॉब्लम ये थी जावास्क्रिप्ट इन तीनों को स्ट्रिंग मान रही है, स्ट्रिंग्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, सही? जोड़ घटा गुणा भाग कुछ नहीं होता स्ट्रिंग्स पे। प्रॉब्लम ये थी जब हमने num1 में इनर एचटीएमएल के थ्रू 10 को डलवाया, इस num1 का टाइप, डेटा टाइप जो हमने पहली क्लास में पढ़े थे, नंबर ना होके जावास्क्रिप्ट के लिए था स्ट्रिंग। सिमिलरली num2 का टाइप जावास्क्रिप्ट के लिए था स्ट्रिंग, num3 भी था स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट को अब फिर अपन ने यहाँ पे लगाया num1 प्लस num2, हमें लग रहा था वो होगा 10 प्लस 25, जो कि हमारे हिसाब से 35 हो जाना चाहिए, बट जावास्क्रिप्ट इसको इस तरीके से पढ़ रही थी और ऐसे ही फिर यहाँ पे आ जाता 30। जावास्क्रिप्ट इनको इस तरीके से पढ़ रही थी। देखिए स्ट्रिंग्स में जब आप प्लस करते हैं तो वो सिंपली चिपक जाती हैं फेविकॉल लग के, जैसा कि हमारे केस में हो रहा है, वो चिपक गए तीनों। प्रॉब्लम ये है कि जावास्क्रिप्ट इज कंसिडरिंग दीज वेरिएबल्स एज स्ट्रिंग्स।
हाँ भाई देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा है, बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट को आप जो भी प्रोवाइड करेंगे वो उसे स्ट्रिंग समझती है, स्ट्रिंग यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। हमने जब इनपुट में नंबर दिए, जावास्क्रिप्ट ने उन्हें भी क्या समझा, स्ट्रिंग। अब नंबर का तो एडिशन होता है, स्ट्रिंग का एडिशन नहीं होता, तो एडिशन कराने के लिए हमें पहले उन स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। यहाँ मैंने ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, इस कन्वर्जन को, टाइप के बदलने को टेक्निकल भाषा में हम कहते हैं टाइप कास्ट या टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है इंटरनली टाइप का चेंज होना, स्ट्रिंग टाइप से नंबर टाइप में तब्दीली होना टाइप कास्टिंग कहलाता है, हमें वो करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कर सकता, तो क्या करूं? देखिए टाइप कास्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं। प्रॉब्लम ये है, नम वन नम टू नम थ्री आर स्ट्रिंग्स, पर हमें जो चाहिए वो चाहिए नम वन इंटीजर में यानी नंबर के फॉर्म में, नम टू भी इंटीजर में, नम थ्री भी इंटीजर में चाहिए। एक फंक्शन जावास्क्रिप्ट में बना बनाया आता है, नाम है उसका पार्स इंट। पार्स इंट का एक पार्स इंट होता है और एक होता है पार्स फ्लोट। जो चीज कैपिटल में है वो कैपिटल में ही आएगी। पार्स इंट का काम होता है पार्सेंट का काम होता है इनपुट में स्ट्रिंग लेके आउटपुट में इंटीजर, इंटीजर यानी बिना पॉइंट वाला नंबर देना। पार्स फ्लोट का काम होता है पॉइंट वाला यानी डेसिमल नंबर आउटपुट में देना। इनपुट दोनों लेते हैं स्ट्रिंग, मुझे यहाँ पे डेसिमल नंबर की तो जरूरत नहीं है, तो हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा पार्स इंट। तो डायरेक्टली तीनों नंबर पास करने की बजाय मैं पहले इनको इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, फिर वहां पर पास करूंगा। वो काम आप चाहें तो यही कर सकते हैं, देखिएगा। देखिए मैंने क्या किया, पार्स इंट जो है एक स्ट्रिंग लेता है और हमें इनपुट इंटीजर देता है, तो वो जो स्ट्रिंग लेने वाली बात है ना, मैंने क्या किया, इनर एचटीएमएल से 10 मुझे मिल रहा था, वो 10 मैंने पार्स इंट को पास किया और वो इंटीजर, अब इंटीजर, पहले स्ट्रिंग 10 नम वन में जा रहा था, अब इंटीजर 10 जो है वो नम वन में चला गया। यहां से पहले 20 आ रहा था मेरे पास, वो अभी भी आ रहा है, पहले 20 जो था वो स्ट्रिंग था, अब वो इंटीजर में कन्वर्ट होके नम टू में जा रहा है, 20 या 25 जो भी था, और यहां से पहले मेरे पास 30 आ रहा था स्ट्रिंग, वो अब 30 इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है पहले, फिर नम थ्री में जा रहा है। अब जब यहां नम वन नम टू नम थ्री 10 25 और 30 आ रहे हैं, वो नंबर्स हैं, उनका एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब कुछ हो सकता है, तो अब आप देखेंगे जो आंसर हमें चाहिए था, जो एक्सपेक्टेड था, वही आ रहा है। क्या ये चीज पकड़ में आ रही है? यस सर। पार्स इंट बना बनाया इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। पहले हमने वो जो 10 था पहले उसको दिया, फिर नम वन को दिया, जो 25 था पहले उसको दिया, फिर नम टू को दिया, ऐसे करते। हमने if else और switch देखा था, ये होते हैं conditional statements, conditional statements के जैसे ही बाद में आते हैं फिर loops।
लूप्स क्या होते हैं, देखिए लूप्स क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ एल्स तो आपको ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी है तो ये करो, अगर कोई चीज ऐसी है तो ये करो। लूप्स कहते हैं अगर आपको कोई चीज बार बार करनी है तो कैसे करो। मुझे अगर अपना नाम एक बार प्रिंट कराना है तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट या अलर्ट कुछ भी कर सकता हूँ। से मैं अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ और अपना नाम प्रिंट कराता हूँ तो ये चूंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर रहा हूँ तो व्यू पोर्ट में यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं, सिंपल है ना। दो बार प्रिंट करना हो तो चलो दो बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकता हूँ। तीन बार करना है तो तीन बार भी चलो मैं मैन्युअली कर सकता हूँ। क्या होता अगर मुझे नाम 10 बार प्रिंट करना होता, 50 बार प्रिंट करना होता, 100 बार प्रिंट करना होता, तो बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट चाहे कॉपी पेस्ट करूं चाहे लिखूं वो तो अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। जब आपको एक ही काम बार बार करना होता है, टेक्निकल भाषा में उसे कहते हैं इटरेट करना होता है, इटरेशन यानी रिपीटेशन, इटरेशन का काम करते हैं लूप्स। सिंपल भाषा बताऊं लूप का काम क्या है, कोई काम को बार बार कराने को लूप करना कहते हैं। लूप्स आर यूज टू इटरेट ओवर समथिंग, इटरेट यानी टू रिपीट समथिंग, टू रिपीट अ टास्क, टू रिपीट एन एक्शन। लूप्स हमारे पास तीन तरीके के हैं, एक होता है फॉर, एक होता है वाइल, एक होता है डू वाइल। सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, ये लूप्स सब में होते हैं, और भी लैंग्वेजेस जिनके नाम नहीं ले रहा मैं उनमें भी होते ही होंगे। फॉर से शुरुआत करते हैं, सिंपलेस्ट लूप है। मुझे करना क्या है, मुझे अपना नाम को से 10 बार प्रिंट कराना है। एक तरीका तो ये था, या तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके 10 बार प्रिंट कर दूं, बट ऑब्वियसली वो अच्छा तरीका नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं ये काम लूप से करा सकता हूं। और फॉर जो है अपने अंदर तीन चीजें लेता है, इनिशियलाइजेशन शुरुआत किसी चीज की, फिर आती है कंडीशन कि वो लूप आपको कब तक चलाते रखना है, और फिर आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। हर एक स्टेप के बाद आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी परफॉर्म करना है वो, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आती है लूप की बॉडी। काम इस तरह से करता है फॉर लूप, देखें। फॉर इनिशियलाइजेशन यानी आपको किसी वेरिएबल को शुरू करना है, इनिशियलाइज करना है, तो एक वेरिएबल ले लिया हमने आई। आई ही क्यों लेते हैं, बस एक अनकहा रूल है ये, वैसे आप ले तो कुछ भी सकते हैं, आई, जे, के, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एनीथिंग। आई को हमने रखा 0 पे, तो आई को हमने शुरू किया 0 पे, जरूरी नहीं 0 पे, आप 1 पे भी शुरू कर सकते हैं, शुरू करने की बात है, बस इनिशियलाइज करना है, सेमीकोलन। तब तक ये लूप कंटिन्यू रहेगा जब तक आई जो है 10 से छोटा है। तीसरा स्टेप भी है वो बाद में लिखूंगा मैं। अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और फिर मेरा नाम प्रिंट कराया। देखिए फॉर लूप चलता किस तरीके से है, आई इक्वल्स टू 0 चलेगा फर्स्ट टाइम में, आई इनिशियलाइज होगा 0 पे, फिर कंडीशन चेक होगी क्या 0 10 से छोटा है, बिल्कुल 0 10 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है, आप सीधे फिर आ जाएंगे अंदर। चूंकि कंडीशन ट्रू है तो आप इस चीज को एक बार प्रिंट कर देंगे, प्रिंट हो जाने के बाद आप फिर जाएंगे यहां तीसरी चीज पे, फिर आएंगे आप, हमने कहा अब आई को क्या कर दीजिए प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब है आई 0 था वो हो जाएगा 1। कंडीशन अब फिर से चेक होगी क्या 1 10 से छोटा है, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये फिर से प्रिंट हो जाएगा, फिर हम ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई हो जाएगा 2, 2 में भी कंडीशन सही है तो ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 भी 10 से छोटा होता है तो ये प्रिंट करेगा, फिर 9 के बाद आई प्लस प्लस जब होगा तो वो हो जाएगा 10। अब 10 जो है 10 से छोटा नहीं होता है चूंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, अब आप लूप के अंदर जाने के बजाय सीधा लूप से बाहर आ जाएंगे।
पर ला जब तक लूप से बाहर आए, 0 से लेके 9, 10 बार आपका नाम प्रिंट हो चुका था। तो आप देख रहे हैं 10 बार नाम जो है वो प्रिंट हो गया है। तो बजाय ये चीज को 10 बार लिखने के, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते लिखने के बजाय, हमने लूप से ये काम करा दिया। यहाँ पे अगर आप ऐसे करते कि i equals 1 से शुरुआत करते तो फर्क इतना सा आता, आपको फिर इस प्रकार से करना पड़ता, i less than and equal to 10, अंदर का काम बिल्कुल वही होता। ये भी आप देखेंगे सेम आउटपुट देगा आपको। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ओके चलो आप मुझे बताओ, अब मुझे 1, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते हुए गिनती प्रिंट करनी है, क्या करूं? लेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं i = 1, फिर वही i less than equal to 10 इक्वल टू आएगा, 10 तक करना ना। बिल्कुल सही है। फिर i plus 10, फिर बॉडी के अंदर आएगा document.write। हाँ सर, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। हेलो, वेरिएबल बना दिया तुम्हारे नाम से, अब इसमें क्या करूं? देखो वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो जरा, मैंने आपसे बोला मुझे 1 से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट करनी है। अब मजेदार बात देखो, 1 से लेके 10 तक ऑलरेडी एक ऐसा वेरिएबल है आपके पास जो 1 से 10 तक चल रहा है। आई जो है वो 10 तक ऑलरेडी घूम के आएगा, दूसरा वेरिएबल लेने की बजाय आई आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए चलेगा कैसे, हमने कहा आई को आप 1 से शुरू करें, ठीक है, किया। हमने पूछा क्या 1 जो है 10 से छोटा या बराबर होता है? 1 10 से छोटा होता है, कंडीशन सही है। तो अब हम अंदर आ जाएंगे, हमने कहा आई को प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू कितनी थी? 1 प्रिंट हो गया, आई प्लस प्लस यानी आई हो गया 2, 2 अभी भी 10 से छोटा है, हमने कहा आई को प्रिंट कर दो, 2 प्रिंट हो गया, ऐसे करते करते 10 तक वैल्यू अपने आप प्रिंट हो जाएगी। किसी दूसरे वेरिएबल की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो जरा हो गया क्या? हाँ सर। अच्छा अब ये देखो मजा नहीं आ रहा, या तो इनमें बीच में कॉमा लगता तो अच्छा लगता, या ये अगर 1 के नीचे 1 प्रिंट होते तो और मजा आता, ऐसा तो ये मजा नहीं आ रहा, बहुत चिपके हुए लग रहे हैं नंबर। देखो कॉन्केटिनेशन क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है किसी स्ट्रिंग और किसी वेरिएबल को चिपका देने का। सॉरी, स्ट्रिंग एंड अ वेरिएबल नॉट नंबर। आई जो है वो वेरिएबल है, yes, है ना? मैंने आपको कहा कि नंबर जो प्रिंट हो उसके बाद या तो कॉमा लगे या स्पेस आए या नीचे आ जाए, कुछ भी आए, तो आई के बाद वेरिएबल तो प्रिंट होगा 1, 2, 3, 4 जो भी है, इसके बाद आप लगाओ चिन्ह प्लस का, साइन लगाओ प्लस का। अब देखिए यहाँ कोई नंबर तो है नहीं वैसे अपने पास, हम तो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, फिर भी साइन प्लस का। कॉन्केटिनेशन में भी प्लस होता है और जोड़ करने के लिए भी प्लस ही होता है। अगर आप चाहते हैं नंबर 1 के नीचे 1 प्रिंट हो, HTML में उसके लिए अपन ने टैग पढ़ा था br, याद है? यस सर। है ना, कोट्स के अंदर ध्यान रखिएगा, HTML टैग सारे कोट्स में आएंगे,
वो br टैग लगा सकते हैं आप। ये अब चीज क्या कर रही है, देखिए पहले जो i प्रिंट हो रहा था सिर्फ, अब हर जगह क्या हो रहा है, आई बी आर प्रिंट हो रहा है, यानी कि 1 br, नेक्स्ट टाइम 2 br, 3 br, 4 br, अप टू 10 br, ये प्रिंट होएगा। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है, 1 नीचे अगर आप देख पाए तो br, अब br टैग कभी दिखता तो है नहीं, उसका जो मतलब है वो होता है, वो आता है हमारे सामने, वो आ गया, हमारा काम तो हो गया। अगर आप चाहते थे एक लाइन में ही प्रिंट हो, बस बीच में कॉमा आ जाए, तो आप br की जगह सिंपली कोट्स में कॉमा डाल दीजिए, तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि लास्ट वाले नंबर के बाद भी कॉमा आएगा। आप चाहते हैं कॉमा नहीं, सिंपल स्पेस देना है, तो ऐसे स्पेस दे दें, तो वो स्पेस आ गया। समझ रहे हो, मतलब जैसे भी आप प्रिंट कराना चाहो वैसे प्रिंट हो सकता है। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे अब 100 से लेके 1 की उल्टी गिनती प्रिंट करनी है, तो मुझे बताओ मैं क्या लिखूं। Will let I equal to 100. So I greater than equal to 1. I minus minus. वाह बहुत बढ़िया। सही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। वो 100 से लेके 1 तक की उल्टी गिनती प्रिंट हो गई, br लगा रखा है तो 1 के नीचे 1 प्रिंट भी हो गए। Yes, अच्छा थोड़ा सा इस लूप को चलो मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। 100 से लेके 1 तक की उल्टी गिनती तो चाहिए थी मुझे, इसमें सारे इवन नंबर 2, 4 मतलब 198, 96 सिर्फ वही प्रिंट कराने, 100, 98, 96, 94, 92, 90 ऐसे प्रिंट होना चाहिए, हो सकता है? हाँ भाई, अरे 100 उसके बाद 98 फिर 96 फिर 94, 92, 90, 88, 86 ऐसे प्रिंट करना है? आई परसेंटेज 2, सीधा आई परसेंटेज 2 लगाऊं या और कुछ भी लगेगा? नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आई परसेंटेज 2 ऐसे लिख दूं? देखो ऐसे नहीं होगा, अब आपको प्रिंट सीधे सीधे नहीं कराना है, अभी तक हमने लूप के अंदर सीधे सीधे प्रिंट कराया था। यस सर। क्यों? क्योंकि आई की जो वैल्यू थी वो मुझे एज इट इज छाप देनी थी। अब यहाँ पे पहले पूछना पड़ेगा कि क्या आई एक सर्टेन कंडीशन को मैच करता है, तो उसे प्रिंट करो अन्यथा मत करो। तो पहले पूछना है, जहां सवाल आ जाता है पूछने की बात आता है कि अगर आई ऑड इवन नंबर है, अगर जहां आ जाता है ना वहां प्रोग्रामिंग में इफ आता है कि अगर इफ आई परसेंटेज 2, आई को जब आई में जब 2 का भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है वो 0 है, तो आई को प्रिंट करो। इस तरीके से होगा, पहले पूछेंगे फिर प्रिंट करेंगे, पहले प्रिंट नहीं करेंगे। देखिए इससे क्या होगा, जो हम चाह रहे थे वो तो हो गया, अब ये हुआ कैसे वो समझिए। आई की वैल्यू कितनी है? 100। हाँ 100 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो हम अंदर आ गए, हमने पूछा जब 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर 0 बचता है? बिल्कुल, 50 बार चला जाता है, 50 टाइम्स जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो आई को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब इस लूप से बाहर आए, इससे भी बाहर आए, आई हो गया माइनस माइनस, यानी आई हो गया 99। 99 100 से बड़ा होता है क्या? बिल्कुल होता है,
निन्यानवे सौ से बड़ा तो होता है, लेकिन अंदर जब आए निन्यानवे में दो का भाग देते हैं तो रिमाइंडर एक बचता है, जो कि जीरो नहीं है। अब आप इस इफ के अंदर नहीं जाओगे तो इस इफ से बाहर, इससे बाहर, और आई माइनस माइनस ओके हो गया अट्ठानवे। यानी सौ पे तो आप ये एग्जीक्यूट कर रहे हो लेकिन निन्यानवे पे ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो आप आउटपुट में देखोगे सौ तो प्रिंट हो रहा है, निन्यानवे नहीं हो रहा। फिर अट्ठानवे पे फिर से कंडीशन सही है तो अट्ठानवे प्रिंट हो रहा है लेकिन आप देखेंगे सत्तानवे नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? हाँ। है ना, इस तरीके से काम होता है। देखो अच्छा चलो एक छोटा सा प्रोग्राम अब आपको मुझे बताना है। एक से सौ तक का लूप हो रहा है, ठीक है? अगर मैं सीधे सीधे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ और आई को प्रिंट कराता हूँ तो आपको पता है क्या प्रिंट होगा, एक से सौ तक की गिनती सिंपली प्रिंट हो जाएगी, जो हो भी रही है नॉर्मल है, ठीक है? मुझे क्या करना है, देखिए मैं लाइन 38 पे कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता, मतलब लूप जो है वो एक से सौ तक चलेगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं आउटपुट में 50 के आगे के नंबर जो है वो प्रिंट ना हो, मतलब 50 के बाद लूप जो है वो बंद हो जाए, रुक जाए। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने कहा फॉर लूप तो एक से सौ तक चल रहा है, आई प्रिंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही आई 50 होए, या ऐसे बोलूं आई 50 के पार निकले तो प्रिंटिंग रुक जानी चाहिए। लूप जो है वो एक से लेके सौ तक चलेगा लेकिन नंबर जो प्रिंट होंगे ना वो एक से पचास तक ही प्रिंट होंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं बताऊं? आवाज नहीं आई मुझे तुम्हारी ठीक से। स्विच स्टेटमेंट कर सकते हैं? नहीं, स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं देखिए, स्विच में जो ब्रेक था ना वो बिना स्विच के भी लगता है, हमें लगाना वही है, स्विच की जरूरत नहीं है, ब्रेक का जरूर इस्तेमाल करना है आपको। मैंने कहा अगर आई बड़ा है 50 से, जब आई देखिए 1 से लेके 50 तक चलेगा तब तक तो ये कंडीशन फॉल्स है। आई शुरुआत होगी एक से, हम पूछेंगे क्या एक सौ से छोटा है, बिल्कुल है, फिर हम अंदर आ जाएंगे, हम बोलेंगे क्या एक पचास से बड़ा है, नहीं है, तो आप इस लूप में तो नहीं जाओगे, सीधे आ जाओगे यहाँ, एक प्रिंट हो जाएगा, ऐसे दो तीन चार पाँच 47 48 49 50 भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 50 50 से बड़ा नहीं होता। जब आई प्लस प्लस होके 51 होगा, ये कंडीशन तो ट्रू है, 51 आई 100 से छोटा होता है। अब हम जब पूछेंगे क्या 51 50 से बड़ा है, ये कंडीशन सही होती है। तो इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया ब्रेक। देखिए ब्रेक का काम होता है, जहां भी ब्रेक आता है उसका मतलब है कि जो भी लूप चल रहा है उससे बाहर आ जाइए। तो एक से लेके 50 तक तो ये लाइन चलेगी, यानी कि एक से लेके 50 तक की प्रिंटिंग होगी। 51 पे जैसे ही आप आएंगे, चूंकि ये कंडीशन सही हो जाएगी, आप पढ़ेंगे ब्रेक को। ब्रेक का मतलब है सारे बंधन तोड़ के बाहर आ जाओ, सारे लूप्स तोड़ के बाहर आ जाओ। तो बेशक आपका फॉर लूप एक से सौ तक चल रहा था लेकिन 51 पे हमने उस पर जबरदस्ती क्या लगा दिए, ब्रेक लगा दिए। देखिए लूप आपका एक से सौ तक चल रहा है लेकिन आपकी गिनती जो है वो सिर्फ 50 तक हुई, 51 पे आते ही आपने क्या लगा दिया उस पर, ब्रेक। तो ब्रेक जो है जरूरी नहीं है स्विच के अंदर ही चले, ब्रेक बाहर भी चलता है। कल के लेक्चर में हम आपको एक बताएंगे, जैसे ब्रेक होता है ऐसे ही एक कंटिन्यू भी होता है, वो क्या काम करता है। इसके अलावा हम व्हाइल और डू व्हाइल कल देखेंगे।